हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6। इसमें क्या है करना है, यहाँ पे नंबर्स ये अल्फाबेट के फॉर्म में गिवन है, ठीक है। तो तुमको यहाँ पे जो है नंबर्स पुट करने, ठीक है। ये अलग अलग कंडीशन है कि ए इंटू बी, दो ऐसे यहाँ पे नंबर्स आएंगे जिसका मल्टीप्लीकेशन 3 होगा। तो ये बताओ कि कौन से ऐसे दो नंबर्स है 1 से लेकर 9 के बीच में जिनका मल्टीप्लीकेशन 3 होता है। तो भाई ऐसे नंबर्स अगर हम देखते हैं तो 1 इंटू 3 3 होता है ना, ठीक है। तो देखो या तो ये 1 हो सकता है या फिर ये 3 हो सकता है, या तो ऐसे लिख सकती है इसको या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, है कि नहीं। दोनों में से कोई भी एक चीज हो सकती है। अभी हम पहला वाला ले लेते हैं कि ए हमारा 1 है और बी हमारा 3 है, ठीक है। नहीं अगर कॉन्ट्रोडिक्टरी बात रही आगे तो उसको चेंज कर देंगे। अब देखो यहां पर है ए इंटू सी इज इक्वल टू 5। दो ऐसे नंबर्स बताओ जिसका मल्टीप्लीकेशन, जिसका प्रोडक्ट 5 है। कौन से दो नंबर्स है बताओ? 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 होता है, इसके अलावा तो कुछ नहीं होता, ठीक है। अब देखो हम दोनों यहाँ पे कॉमन जो है वो a है, तो a की वैल्यू क्या आ गई यहां से, a इज इक्वल टू 1 आ गया, है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू आ गई। देखो ऐसे देखोगे तो कितना टफ लग रहा था, लेकिन सॉल्व करना शुरू करो कितना ईजी हो जाता है, ठीक है। देखो b की वैल्यू भी आ गई, c भी आ गया, हमारे पास ये तीनों चीजें आ गई, ठीक है। b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 5, ठीक है, क्लियर। यहां चलो हम लिखते रहते हैं, a की वैल्यू 1, b 3 और c कितनी आ गई हमारे पास 5 आ गया, ठीक है। बाकी का हम रख कर देते हैं। चलो अब ये कह रहे हैं कि d की जो वैल्यू है d इज इक्वल टू 2a प्लस c, तो a की जगह 1 रख दो, ठीक है। c क्या है हमारा 5, तो ये आ गया, d की वैल्यू भी आ गई ना 7, ठीक है। तो यहां पर हम 7 रख देते, 2 1 2 प्लस 5 7 हो गया। चलो यहां तक हो गया। अब हम आते हैं f पर, f की वैल्यू है 3b। b क्या चीज है, b हमारी आई 3, है कि नहीं। तो ये आ जाएगी 3 इंटू 3 हो गया 9, ठीक है। तो देखो f की वैल्यू भी आ गई हमारे पास 9, ठीक। चलो अब देखते हैं हम इस इक्वेशन से e इज इक्वल टू c माइनस b। मैंने क्या करा, e को ये रखा, b को उतर लिया, तो वो नेगेटिव हो जाएगा, है कि नहीं। c कितना है 5, b कितना है 3, ये कितना हो जाएगा 2। तो देखो e की वैल्यू भी आ गई हमारे पास 2, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम इसका अगर सम करते हो तो ये कितना हो जाएगा 14, ठीक है। 1 इधर आ गया, ये हो जाएगा 5 और ये 6 और ये हो जाएगा 8, है कि नहीं। तो यहां पे हमारे पास क्या आया, g इज इक्वल टू 8, h इज इक्वल टू 6 और i इज इक्वल टू 4। तो है ये सिंपल है, इजी है ना। चलो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ये कह रहे हैं a इंटू बी 30 के बराबर है, c इंटू डी 32, b इंटू डी 48, b इंटू सी 24, ठीक है। तो ये देखो कि यहाँ पे 30 क्या चीज, किस किस का प्रोडक्ट 30 हो सकता है। तो देखो या तो 1 इंटू 30 30 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन नंबर्स हमारे 1 से लेकर 9 के बीच में होने चाहिए खाली। तो मैं बी 30 तो नहीं मान सकते हैं, 9 से छोटे 9 तक होना चाहिए नंबर्स, इसका मतलब ये तो नहीं है, ठीक है। 2 इंटू 15 भी नहीं होगा, 2 इंटू 15 30 होता है, वो भी नहीं होगा। तो देखो 5 6 30 होता है, ठीक है। या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर 6 इंटू 5 भी कर सकते हैं 30, या तो a 5 होगा या फिर a 6 होगा, दोनों में से एक कंडीशन होगी। ऊपर वाला कंडीशन ले लेते हैं अभी हम, अगर गलत होगा तो हम इसे चेंज कर लेंगे, ठीक है। चलो अब क्या करना है हमें, ये है c इंटू डी 32, तो देखो 4 8 32 होता है ना। तो मान के चलो 4 जो है c है और d क्या है 4 8 d 8 है 32, ठीक है, क्लियर है। अभी के हिसाब से देखो ये हमारा आ रहा है, ये a इतना आ रहा है, b ये, c ये, d ये, आगे बढ़ते हैं। b इंटू डी 48 है, तो देखो हमारा यहाँ के हिसाब से 6 ये है और d ये है, तो 6 b इंटू डी 48 है, तो 6 8 48 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हमने जो अज्यूम करा था ये दोनों सही है। b हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो देखो लिख दो b इज इक्वल टू 6 और d इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो a कितना आ गया,
ए आ गया 5, ये क्या चीज है सी, सी कितनी आ गई हमारी 4, ठीक है आगे सारे नंबर्स। चलो अब ये पूछ रहे हमें क्या निकालना है, ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी, ठीक है तो करो 5 4 20 इंटू 6 इंटू 8, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास, विल गेट द आंसर एज 960, ठीक है क्लियर है। चलो अब हम चलते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन पर। देखो यहाँ सी क्वेश्चन में क्या है आपके पास, ये कह रहे हैं ए इंटू बी इज इक्वल टू 5, ठीक है ऐसे कौन से दो नंबर्स है 1 और 9 के बीच में जिनका प्रोडक्ट 5 है, तो देखो 1 इंटू 5 5 होते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि भाई ए जो है वो 5 और बी 1 हो सकता है ना, अभी हमें ये नहीं पता, लेकिन हम अज्यूम कर लेते हैं कि ए 1 है बी 5 है, ठीक इसमें रख के देखते हैं क्या आंसर हमारा सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है देखो 1 इंटू 5 बी क्या है 5 है, सी अभी हमें पता नहीं है, ठीक है इसको देखो मल्टीप्लाई करो 5 5 20 5 5 5 6 7, ठीक है सही इसके हिसाब से क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे ए है यहाँ बी है यहाँ बी है और यहाँ भी बी है, तो ये तो सही हुई हमारी स्टेटमेंट, ठीक है तो यहाँ ए इज इक्वल टू 1 बी इज इक्वल टू 5 और सी इज इक्वल टू 7, ठीक है क्लियर आया ना समझ में, आसान है ना मुश्किल बिल्कुल नहीं है, ठीक चलो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन नंबर 4 पे, डी को जो है डिवाइड कर रहा है ए बी सी डी से, यहाँ पे है 1 D F D, ठीक है फिर यहाँ आया 5 माइनस करो तो हमारे पास बचता है 2B, फिर माइनस करा सी डी तो हमारे पास बचता है 4C, फिर माइनस करा तो बचा 4 ही करो माइनस तो यहाँ पे बचा फिर सी डी, इसको सब्ट्रैक्ट करो सी डी को तो बचा 0। अब देखो ये कैसे होगा, अब देखो यहाँ पे 1 है यहाँ पे 5 है, इसका मतलब 5 1 5 होगा तभी तो यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है आया समझ में, तो डी इज इक्वल टू 5 हो गया, ठीक है डी हमारा 5 आया यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, ए जो है उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट करो तो 2 बचा, देख रहे हो ये वाली चीज, देखो ए माइनस 5 तो 2 बचा, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, किसी नंबर में से आप 5 को सब्ट्रैक्ट करो और 2 बचे ऐसा कौन सा नंबर है बताओ, ऐसा नंबर तो सिर्फ 7 है, आप 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या बचता है, 7 माइनस 5 2 बचता है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, देखो है ना तो ए इज इक्वल टू 7 आ गया, ठीक। अब देखो ये कह रहे हैं यहां तक 7 आ गया, ठीक अब ये कह रहे हैं यहाँ पे 2 है ये बी है आपका है ना, डी कितना आया था 5, ठीक है तो देखो 5 5 20 5, इसका मतलब यहाँ पे 25 आएगा, ठीक है तो ये सी था ये डी था है ना, सी आ गया 2 और डी तो है 25, ठीक। अब देखो बी में से अगर मैं 5 को सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो 4 बचता है, क्लियर तो बी कितना हो जाएगा बताओ, किस नंबर में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा 9, इसका मतलब बी की वैल्यू भी आ गई 9, ठीक है चलो यहाँ 4 बचा, सी क्या है 2, लिख दो 2, 5 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं जो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 5 8 40 होता है कि नहीं, तो F बन गया हमारा 8 और E हो गया हमारा 0, ठीक है तो यहाँ पे कितना बचा 2 आया और देखो C था तो बाकी 2 ही आ गया, D क्या है आपका 5 है ना तो यहाँ लिख दो 5, C की क्या वैल्यू है 2, ठीक तो ये 25 था नीचे आ गया, ठीक है फिर 5 5 20 5 आ गया 0, तो आ गया ना देखो ए बी सी डी सब आ गए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल वीडियो को अगर अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और ढेर सारा शेयर करना, और जितने बच्चे मुझसे 6E मांग रहे थे, 6C मांग रहे थे, इट इज फॉर यू पीपल।